हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैम छो, मैं अपेक्षा। आज मैं आप लोगों के साथ नायका कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पे नायका के कुछ मेकअप प्रोडक्ट है, आज मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। वन ईयर यूज़ करने के बाद मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा नायका के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, नायका के मेकअप प्रोडक्ट का, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, ये सारे प्रोडक्ट को यूज़ करते करते मुझे एक साल हो गया है। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह में, राइट। ये सारे नायका के मेकअप प्रोडक्ट हैं। एक साल हो गया है, मैंने कंटिन्यूसली मैंने इसको यूज़ किया है। अब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो में इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये सारे प्रोडक्ट का मैं आप लोगों के साथ छोटा छोटा रिव्यू शेयर करूँगी कि कौन से प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, कौन से प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और कौन से प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, राइट। सो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताने वाली हूँ कि नायका के प्रोडक्ट अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो मेरे पास यहाँ पे सारा कुछ है नायका के वन ब्रांड। मैंने आप लोगों नायका वन ब्रांड मेकअप लोग भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, और प्राइमर, फाउंडेशन, प्लस लिपस्टिक सारा कुछ मेरे पास है नायका का। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन करके शेयर करती हूँ, ओके। प्राइमर से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे है नायका का ये फेस प्राइमर है, टोन प्लस स्मूथिंग प्लस परफेक्ट ब्लर प्राइमर आप बोल सकते हैं। मैं गलत ना हूँ तो नायका का एक ही प्राइमर आता है और मेरे पास भी यही प्राइमर है। और गाइस, नायका का ये प्राइमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और 30 ग्राम के साथ आता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पूरा सर इसको ही यूज़ किया, मेरे पास और भी बहुत सारे प्राइमर हैं, तो मैं मतलब वन बाय वन करके यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन नायका की अगर बात करें तो गाइस, ये प्राइमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपके पोर्स को सारा ब्लर आउट कर देता है, और अच्छे से ब्लर आउट करता है, और अपना फाउंडेशन एकदम फ्लॉलेस बेस लगता है। सो ये प्राइमर मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आप नायका का ये प्राइमर परचेस करना चाहते हो। लेकिन गाइस, मुझे इसमें एक बात अच्छी नहीं लगी, इसमें आप लोगों को सिर्फ 30 ग्राम का ही प्रोडक्ट मिलता है। आप आई थिंक ये इसकी MRP है 499, आई थिंक नहीं, यहाँ पे देखिए 499 इसकी MRP है, और 499 में आप लोगों को सिर्फ 30 ग्राम का ही प्रोडक्ट मिलता है। बहुत छोटू सा प्रोडक्ट इसमें आप लोगों को मिलता है। एनीवे, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, अगर फाउंडेशन की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे ये नायका का स्किन साइड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन है, और ये मैट फिनिश के साथ आता है। 30 मिली इनमें आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है, और ये फाउंडेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई हैव ऑयली स्किन पर्सन, और ऑयली स्किन वालों पे ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से सूट करता है। विंटर में ये आपको थोड़ा बहुत ड्राई आउट कर ससकता है, मेरे कहने का मतलब है थोड़ा केकी लग सकता है। अगर आप चाहो तो इसमें फेशियल ऑयल या फिर फेस सीरम भी इसके अंदर ऐड करके आप ये फाउंडेशन को यूज़ करोगे तो आपका बेस एकदम फ्लॉलेस दिखेगा, ओके गाइज। ये मैंने आप लोगों को थोड़ी ब्यूटी टिप्स भी दे दी इसमें, और इसकी MRP है 799। मेरा इसमें शेड है 04 रोज बेज, ओके। तो ये मेरा शेड, और इसकी पैकेजिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो, राइट, मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया है, और इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसमें बहुत कम प्रोडक्ट बचा है अभी, ये भी ख़त्म होने वाला है। और इसमें भी मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि आप 799 पे करते हो और आप लोगों को सिर्फ 30 मिली का ही प्रोडक्ट मिलता है। बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ड्राई स्किन वालों को, अगर आपकी ओवर ड्राई स्किन है तो आपको ये प्रॉब्लम, ये फाउंडेशन से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये मैट फाउंडेशन है, और आप अगर ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ करोगे तो आपका बेस थोड़ा केकी लग सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप चाहो तो इसमें थोड़ा फेशियल ऑयल या फिर सीरम भी यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑयली टू नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये फाउंडेशन परफेक्ट है, ओके। अब ये फाउंडेशन की बात कर ली, अब मैं आप लोगों के साथ गाइज, सॉरी, ये मैं आप लोगों को बाद में शेयर करती हूँ, ये आई सी पैलेट है। अब मैं आप लोगों को ये कॉम्पैक्ट शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास यहाँ पे नायका का गैट सेट क्लिक क्रीम टू पाउडर कॉम्पैक्ट है, मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखाना चाहूँगी। तो गाइज, ये है मेरा क्रीम टू पाउडर कॉम्पैक्ट, ओके। इसके साथ आप लोगों को इस तरीके का स्पंज भी मिल जाता है, छोटू सा,
अब ये कॉम्पैक्ट की गाइस मैं बात करूँ तो जब मैंने इसे परचेज किया था मैंने जल्दी जल्दी में बाय कर लिया था। सो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि ये क्रीमी टू कॉम्पैक्ट पाउडर है, सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर ही मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया था। और अब मैं आप लोगों को सच बताना चाहूँ तो गाइस अगर आप ड्राई टू नॉर्मल स्किन वाले हो तो आप लोगों के लिए ये कॉम्पैक्ट बहुत काम आने वाला है, लेकिन ऑयली स्किन वालों पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। ऑयली स्किन वाले या फिर कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसे अगर यूज़ करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को आपके जो भी पोर्स है ना वो बहुत ही ओपन ओपन दिखेंगे, राइट। मेरे कहने का मतलब ये मतलब है कि आपके पोर्स को फिल आउट नहीं करता है लेकिन और ओपन ओपन बड़े बड़े पोर्स आपके दिखेंगे। सो ऑयली स्किन वालों के लिए अगर आप चाहो तो विंटर में कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद ये फाउंडेशन का काम करता है, थोड़ी बहुत कवरेज भी दे देता है। तो मैं क्या करती हूँ गाइज, मैंने इसको यूज़ तो किया है, सॉरी मैंने इसको परचेज तो किया है, अब मैं इसको यूज़ तो करने वाली हूँ, राइट। तो मैं इसको पहले इससे अपना बेस लगाती हूँ, फाउंडेशन की जगह पर मैं इसको यूज़ करती हूँ। पहले मैं पूरे फेस पे सेट कर लेती हूँ और फिर मैं सेटिंग पाउडर से मैं इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ तो अच्छे से बेस लग जाता है। मैं कुछ इस तरह से इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर पैकेजिंग की बात करें तो सो गुड गाइस, आप लोगों को इसमें इस तरीके का बड़ा सा मिरर मिल जाता है, ओके। तो मिरर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप इस तरीके से ओके ये मेरी स्किन से एकदम मैच है तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को इसे हम साइड पर रखते हैं, अब मैं आप लोगों के साथ इसकी आई शैडो पैलेट शेयर करना चाहूँगी गाइस। मेरे पास यहाँ पे नायका की ये आई शैडो पैलेट है तो ये आई शैडो पैलेट हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि इसमें सारे सेट ऐसे हैं जो हम सारे आउटफिट के साथ चल जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट आई लुक भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। और मिरर में भी आप लोगों को सारा कुछ दिख रहा होगा, राइट, तो इग्नोर कीजिएगा। तो गाइस ये है सिल्वर कलर और मैं आप लोगों को कुछ इसके सेट दिखाना चाहूंगी ताकि आपको इसकी पिगमेंटेशन पता चले, राइट। वाओ सो गुड, आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल इसमें नहीं है और पाउडर भी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो। अब ये मैं आप लोगों के साथ ओके राइट, अब ये ब्राउनी गोल्डन शेड है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, ओके। तो आप इसकी पिगमेंटेशन तो देख सकते हैं, राइट। और गाइस मैं सोच रही हूँ कि एक और नायका वन ब्रांड मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा इस वाले वीडियो में। तो ये वाली आई शैडो पैलेट जब मैंने इसे परचेज किया था तब 1100 के आसपास कुछ मुझे मिल गई थी, अभी पता नहीं, देखना पड़ेगा इसकी इसकी प्राइस क्या है। और गाइस जितने भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसकी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हो पाए तो दे दूंगी, ओके। तो अगर आप लोग इसमें से कुछ भी अपने लिए परचेज करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब मैं गाइस आप लोगों के साथ नायका का ये ब्लश हाइलाइटर पैलेट एंड कंटूर पैलेट दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे पास दोनों हैं, मैं वन बाय वन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसकी ब्लश पैलेट दिखाना चाहूंगी, मेरे पास ये वाली ब्लश पैलेट है, ओके। तो इसमें आप लोगों को गाइस दो पैलेट दो सेट मिल जाएंगे। इसमें ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये पिंक की काइंड ऑफ शेड है, पिंक शेड है, और ये कोरली काइंड ऑफ ऑरेंजी शेड है, ओके। तो ये आप लोग देख रहे हैं इसमें आप लोगों को छोटे छोटे सिमर मिल जाएंगे और ये बिल्कुल मैट है, ओके। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं, राइट। ये आप लोगों को आप लोग देख रहे हैं इसमें आप लोगों को सिमर मिल जाएगा छोटा छोटा। अगर आप इसे यूज करोगे अपने ब्लश की तरह तो आपको हाइलाइटर भी अप्लाई करने की नीड नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत हाइलाइटर का भी काम करता है। और ये एकदम फेयर स्किन वाले हो अगर आप तो ही आप को ये ब्लश काम आने वाला है, वरना ये ब्लश जैसा काम नहीं करता। तो ये बात मैं आप लोगों को पहले ही शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ साथ गाइस इसी हाइलाइटर पैलेट शेयर करना चाहती हूँ। इसमें आप लोगों को हाइलाइटर एंड कॉन्टोर
दोनों मिल जाते हैं। ओके, मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये हाइलाइटर और ये है कॉन्ट्रोल सेड। अब गाइस, ये पैलेट की मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे इसका हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर कॉन्ट्रोल की बात करें तो अगर आप मेरी स्किन टोन के हो या फिर मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो भी चल जाएगी, लेकिन ये डार्क डस्की स्किन टोन वालों पे ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। मीडियम स्किन टोन वाले भी, सच बोलूँ तो गाइस, ये कॉन्ट्रोल इतना कोई काम नहीं करता। अगर आप एकदम फेयर स्किन टोन के हो या फिर थोड़े बहुत मेरी स्किन टोन के हो तो ये आप कॉन्ट्रोल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं इसका कॉन्ट्रोल दिखाना चाहूंगी। रुकिए एक मिनट। ओके, अब आप इसका कॉन्ट्रोल देखो, राइट, कितना लाइट है। इसका हाइलाइटर बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को रुकिए इसका हाइलाइटर दिखाती हूँ। ओके, तो आप इसका हाइलाइटर देख सकते हैं कितना नेचुरल ग्लो आता है, राइट। तो इसका हाइलाइटर बहुत अच्छा है, कॉन्टोर के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। अब बारी आती है गाइस नायका की फेक आईलैशेस की। तो मेरे पास यहाँ पे ये नायका की ये वाली फेक आईलैशेस है, इसमें नेम है टर्न ऑफ द ड्रामा, ये मेरा ये नेम है। ओके, अब मैं आप लोगों को ये फेक आईलैशेस दिखाना चाहूंगी। तो गाइस, इसके साथ मुझे अंदर से एक और गम भी रिसीव हुआ था नायका का, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी काम नहीं करता है, आपके लैसेस को बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता है। मैंने अलग से ग्लू बाय किया था, मिस क्लियर का ग्लू बाय किया था, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया, वो बहुत अच्छा है। और ये लैसेस की बात करो तो OMG गाइस, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मैं इससे बहुत इंप्रेस हूँ। एकदम नेचुरल लुक आता है, एकदम नेचुरल लुक आता है आपको, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता आपको फेक आईलैशेस अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको ऐसा, मतलब कैसे एक्सप्लेन करो आप लोगों को गाइस, यहाँ से आप लोगों को इस तरीके का प्लास्टिक प्लास्टिक वाला लुक आता है। कुछ फेक आईलैशेस होती है ऐसी, जब आप इसे अप्लाई करोगे तो यहाँ से आप अगर आप अपनी आईज को क्लोज करोगे ना तो यहाँ से एकदम शाइनी शाइनी वाला लुक आता है, बहुत ही बेकार लुक आता है, राइट। पता चल जाता है कि आप अपने फेक आईलैशेस अप्लाई किए हैं और आर्टिफिशियल लगता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल। तो इसके साथ मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, जब भी आप ये फेक आईलैशेस अप्लाई करोगे ना तो एकदम नेचुरल, अगर आप जैसे आपकी नेचुरल फेक नेचुरल आईलैशेस होती है ना उस तरीके का ही ये लुक देता है। तो अभी मुझे इसको वॉश भी करना है और मेकअप लुक भी जल्द आप लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन गाइस अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, सो मैं मेकअप लुक आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ अच्छी अच्छी बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, सो इस वजह से अभी नहीं करूँगी, जल्द आप लोगों को मेरी ब्लॉग चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ये थी मेरी फेक आईलैशेस। अब मैं आप लोगों के साथ नायका की, ओ माय गॉड गाइस, इसको तो मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई एक दो आईब्रो पैलेट है लेकिन मैंने कभी इसको यूज़ किया है लेकिन बहुत कम यूज़ किया है। ये नायका की ब्रो पेंसिल है, इसको मैंने हर अपने मेकअप ट्यूटोरियल में इसको ही यूज़ किया है और मेरी फेवरेट भी रही है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, एकदम 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 नेचुरल आईब्रो इससे लगती है। रुके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसके साथ आप लोगों को इस तरीके का ये भी मिल जाता है, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। ओके, तो आप लोग समझ जाइएगा, इसके साथ आप लोगों को इस तरीके का मिलता है और ये है आईब्रो और आप लोग देख सकते हैं, राइट, खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बिल्कुल भी अभी आपको आवाज भी आ रही होगी, राइट, बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना सा ही अभी प्रोडक्ट बचा है, इतना सा ही आप देख सकते हैं। तो ये पूरी आईब्रो पेंसिल खत्म हो गई है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली आप बोल सकते हैं। आई थिंक मैंने जब इसको बाय किया था तब इसकी MRP 400 के आसपास कुछ मुझे पड़ी थी, अभी आप लोग चेक कर लीजिएगा नायका पे। ओके, तो ये आईब्रो पेंसिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप ऐसी कोई आईब्रो पेंसिल अपने लिए परचेज करना चाहते हैं जो एकदम नेचुरल
फिनिश दे, तो आप ये इसके साथ जा सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे गाइस नायका की लिपस्टिक बची है, ओके बुलेट लिपस्टिक है कुछ। रुके, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये नायका की आईलाइनर है वो शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये नायका की लिक्विड आईलाइनर है, ये मैट फिनिश नहीं है। रुके, मैं आप लोगों को पहले इसका ब्रश दिखा देती हूँ। गाइस मुझे इसका ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। रुके, आप लोग देख सकते हैं कितना पॉइंटेड है, ओके कितना ज़्यादा पॉइंटेड है, राइट। तो आप इजीली अपनी थिन से थिन लाइन इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगी कि ये मैट फिनिश है या फिर ग्लोसी है। तो गाइस ये ग्लोसी भी नहीं है, पूरी कंप्लीट मैट फिनिश भी नहीं है, थोड़ा बहुत मैट फिनिश आता है इसके साथ और थोड़ी ग्लोसी भी है। और वाटरप्रूफ है, आप लंबे समय तक स्टे भी करेगी, बहुत ही अच्छी है। अगर आप कोई अगर आप मैट आईलाइनर परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए ये नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा आपको मैट वाला फिनिश भी मिल जाएगा और थोड़ी बहुत ग्लॉसी भी है, ओके। तो आप लोग समझ जाइए कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। तो ये है मेरे पास नायका की लिक्विड आईलाइनर। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ नायका की लिपस्टिक है, वो मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो मैं आप लोगों को इसमें तो सारा कुछ नहीं बता पाऊँगी, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, ओके। तो गाइस ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा। अगर आप लोग भी नायका कॉस्मेटिक के कुछ प्रोडक्ट अपने लिए परचेस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आया हो गाइस और आप लोगों के लिए सच में हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर करते जाएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। और हाँ गाइस, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अपेक्षा नायक पटेल, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे रील्स अपलोड कर रही हूँ आजकल। अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी एक और व्लॉग चैनल है अपेक्षा नायक पटेल व्लॉग। अगर आप लोग मेरी डेली लाइफ देखना पसंद करते हो, मेरी मुझे करीब से जानना चाहते हैं तो मेरी व्लॉग चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।